Good morning, dear students. Hope you are well and fine at your home. Today, आज हम रिवाइज करेंगे फिलिप्स ए टू जेड. ठीक है, तो आप मुझे बताना ए के बाद कौन सा लेटर आता है. बी, ए बी सी. सी के बाद कौन सा आएगा? डी. ठीक है, डी. डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, कौन सा अल्फाबेट आता है? ई. ई फॉर एलिफेंट. ई के बाद एफ. एफ के बाद कौन सा आता है? जी. ठीक है, जी. एच. आई. आई के बाद कौन सा आएगा? जे. के. एल. एल के बाद क्या आएगा? एम. एन. एन के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है? ओ. ठीक है, ओ के बाद पी. क्यू. क्यू के बाद कौन सा आएगा? आर. आर के बाद एस. एस के बाद टी. नेक्स्ट यू. यू के बाद क्या आएगा? वी फॉर वैन. डब्ल्यू. नेक्स्ट कौन सा आएगा? एक्स. एक्स के बाद वाई. एंड वाई के बाद जेड. ठीक है, आप सभी ने अपनी नोटबुक पे इसे रिवाइज करना है. नेक्स्ट सर्कल द ओड वन. ठीक है, इनमें से ओड वन को हमने सर्कल करना है. इनमें से कौन सा ए अल्फाबेट जो अलग है? ए. लेटर ए जो कैपिटल लेटर है ना, वो इनसे ऑड है. ठीक है, बाकी सब तो स्मॉल है. ठीक है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है? ए और ए बी सेम है, जे भी सेम है, और ये भी डिफरेंट है इनमें से. ठीक है, नेक्स्ट है एच. एच इनमें से कौन सा डिफरेंट है? फर्स्ट वन एच. ठीक है, नेक्स्ट है एम. ये कौन? स्मॉल एम, कैपिटल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम. इनमें से कौन सा ऑड है? कैपिटल एम. नेक्स्ट डी. डी इनमें से कौन सा है? कैपिटल डी. ठीक है, नेक्स्ट है आर. ये कौन सा आर है? कैपिटल. ये है स्मॉल आर. जे सेम है ना तीनों, तो डिफरेंट कौन सा हुआ? ये है ऑड. ठीक है, इनमें से जो ऑड है ना, उसे हमने सर्कल करना है. ठीक है, इनमें से ऑड कौन सा है? ये लास्ट. ओके बच्चे, अब सभी ने अपने नोटबुक पे इस वर्क को रिवाइज करना है. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.